देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। कमर तोड़ महंगाई से पहले ही टूट चुकी जनता पर अब केंद्र सरकार की एक और मार। सिलेंडर के दामों में कुल 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि कर महिलाओं के किचन का बिगाड़ दिया है बजट। लगातार ईंधनों के दामों में वृद्धि होने के कारण जीवनावश्यक वस्तुओं के भी बढ़ गए हैं दाम। मात्र 14 साल की युवती ने हवाई जहाज उड़ाकर महाराष्ट्र का नाम किया रोशन। नांदेड़ जिले के कोंढा ग्रामवासी रेवा जोगदंड ने अमेरिका में कर दिखाया ये कारनामा। उसके इस शौर्य पर सभी ग्रामवासियों की भर आई आंखें, साथ ही उसको दी ढेर सारी शुभकामनाएं। चंद्रपुर शहर के दाताला का नवनिर्मित पुलिया आ गया है विवाद में। इसके नामकरण को लेकर कई संगठनों ने जिलाधिकारी को सौंपा था ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय से ये सभी ज्ञापन सौंपे गए थे मनपा को। आयुक्त मोहिते ने 3 पत्रों में जवाब देते हुए कहा कि नामकरण करने की कार्रवाई करना मनपा को है असंभव। वरोड़ा तहसील के आमड़ी बोरी घाट पर से अवैध रेत तस्करी हो रही है बड़े पैमाने पर, जिसके कारण रास्तों की हालत हो गई है खस्ता। अवैध तस्करी को रोकने के लिए ग्रामवासियों ने कई बार लगाई थी गुहार। आखिरकार ग्रामवासियों ने रास्तों पर चल रहे इन अवैध रेत तस्करों की गाड़ियों को रोककर कार्रवाई करने की मांग की। घुघू सेकोली प्रशासन के विरोध में अपनी मांगों को लेकर ट्रक चालकों द्वारा गत 4 दिन से आंदोलन छेड़ा गया है। इसी बीच विधायक किशोर जोरगेवार ने आंदोलन स्थल पर जाकर ट्रक चालकों के मांगों के बारे में जानकारी ली तथा वेकोली प्रशासन से मांग की है कि पल्ला गाड़ियों को वेकोली में दे इजाजत। निर्माणियों को मौजूदा सरकार द्वारा निजीकरण करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए आयुध निर्माणी कर्मचारियों ने 26 जुलाई से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने का किया है फैसला, जिसमें 41 आयुध निर्माणी के कर्मचारी होंगे शामिल। अपने विवादास्पद बयानों से हमेशा चर्चा में रहे संभाजी भिड़े ने दिया एक और विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंढरपुर वारी करने के बाद केवल भारत देश में ही नहीं तो संपूर्ण दुनिया से कोरोना हो जाएगा गायब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर लगाई फटकार। कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा देने के संबंध में केंद्र सरकार को दिए निर्देश। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे के बारे में हो रही थी अनदेखी। अब इस निर्देश के बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है ये समय ही बताएगा। बुधवार की रात कलोधी नाइक गांव में तेंदुए ने बकरियों के तबेले पर हमला करते हुए 12 बकरियों का कर दिया खात्मा। वन विभाग द्वारा जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर किया पंचनामा। तेंदुए के इस हमले से ग्रामवासियों में छाया है भय का वातावरण। आलापल्ली सिरोंचा मार्ग पर स्थित नागदेवता मंदिर के समीप कार और ट्रक के बीच हुआ भीषण हादसा। हादसे में कार रास्ते से 10 फीट नीचे जंगल में उतरी, जिसमें कार चालक सागर पदमट्टीवार हुआ गंभीर जख्मी और कार चालक की पत्नी तथा बच्चे को आई मामूली चोटें। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।